दिवंगत अभिनेता ऋषि कपूर अब हमारे बीच नहीं है। हालांकि ऋषि कपूर से जुड़े किस्से कहानियां अब भी हमें उनकी याद दिलाते हैं। ऋषि कपूर की फिल्में देखकर आज भी फैंस उनको याद करते हैं। एक जमाना था जब ऋषि कपूर को काफी गुस्सा आया करता था। लोग ऋषि कपूर को उनके गुस्से के लिए जानते थे। ऋषि कपूर के हाई पारे का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि एक बार उन्होंने अपने बेटे को ही चाटा जड़ दिया था। अपने इस रिपोर्ट में हम आपको ऋषि कपूर और रणबीर कपूर से जुड़े ये किस्से सुनाने वाले हैं। पूजा के दौरान रणबीर कपूर चप्पल पहनकर मंदिर में दाखिल हो गए थे। ऐसा करना रणबीर कपूर को काफी महंगा पड़ा था। रणबीर कपूर के पैर में चप्पल देखकर ऋषि कपूर का खून खौल गया था। ऐसे में ऋषि कपूर ने बिना सोचे समझे रणबीर को चाटा जड़ दिया। ऋषि कपूर बड़े ही रिलीजियस किस्म के इंसान थे। ऐसे में पूजा पाठ के दौरान ऋषि कपूर किसी भी तरह की उल्टी सीधी हरकत बर्दाश्त नहीं करते थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि उस समय रणबीर कपूर करीब 9 साल के थे। रणबीर आज भी इस घटना को भुला नहीं पाए हैं। ऋषि कपूर को इस बात का जिंदगी भर अफसोस रहा कि वो कभी भी अपने बेटे के करीब नहीं आ सके। रणबीर कपूर आज भी अपने पापा को मिस करते हैं। फैंस कहते हैं कि उनको राहा में ऋषि कपूर की छवि दिखाई देती है। राहा को देखकर ऋषि कपूर के फैंस अक्सर इमोशनल हो जाते हैं। फिलहाल आपका इस पर क्या कहना है, हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी ही और खबरों से हमेशा अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।